हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ये मुगलई शाही टुकड़े की रेसिपी। इतनी टेस्टी होती है और इतनी मुंह में घुल जाने वाली होती है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी। दिल्ली में गली गली में मिलने वाली ये स्वादिष्ट मिठाई फटाफट से तैयार हो जाती है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी चीनी और उस पे 1/2 कटोरी पानी। रेशियो आपको यही रखना है, आप 2 कटोरी चीनी पे 1 कटोरी पानी। जितना आपको मटेरियल बनाना है उस हिसाब से आप ये चाशनी तैयार कर लीजिएगा। अब चीनी घुल गई है, अब ये याद रखना है कि हमें यहाँ पे एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, ना इसमें एक तार ना दो तार, बस चीनी घुल गई, थोड़ा सा थिकनेस हुई इसमें चाशनी में और तैयार। बहुत झटपट झटपट से मिठाई बनती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब इधर मैंने लिया है दूध 1 लीटर, कोई भी ले लीजिए आप। गाढ़ा दूध चाहिए, रबड़ी बनानी है तो सबसे अच्छा होता है कि आप फुल फैट वाला लीजिए। खूब इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल लेंगे। हाँ, खुशबू आनी चाहिए भाई, थोड़ा सा मुगलई फ्लेवर आना चाहिए, तो उसके लिए केसर डाला है ताकि जो रबड़ी है वो बढ़िया सी खुशबूदार रहेगी, केसर की खुशबू आएगी। अब रबड़ी गाढ़ी होने पर बंद करके अलग रख देंगे। अब यहाँ पे क्या किया है, तेल को गरम किया है और ब्रेड ली है, ब्रेड के ट्रायंगल्स। अब आप किसी भी आकार में से ले लीजिए, आप चौकोर पूरा टुकड़ा ले लीजिए, लेकिन देखने में स्वादिष्ट लगती है कौन सी, जो एक ओरिजिनल इसका शेप दिखता है ट्रायंगल वाला, तो इसको गोल्डन कलर में हम फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से तलेंगे बढ़िया सा। अच्छा, आँच इसकी कितनी रखनी है तलते समय, बहुत तेज़ आप आँच रखेंगे तो क्या होगा, फट से ये जलने लगेगी। हमें क्या करना है, इसको अंदर तक करारा करना है, क्रिस्पी सा, है ना। तो ये मीडियम फ्लेम पे रहेगी, पहले तेज़ आंच पे आप तेल को गरम कर लीजिए, फिर आंच को मीडियम कर दीजिए। उसके बाद सारी ब्रेड इसमें जितनी आप बनाना चाह रहे हैं इसे गोल्डन कलर में ऐसे तल लेंगे। देखने कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से जितनी ब्रेड के टुकड़े आपको चाहिए बनाने के लिए उन्हें तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर में। तो फिर इस तरीके से इसे निकाल लिया और वाकई मेरे बच्चों को ये मिठाई इतनी पसंद आई है, मैं क्या बताऊँ। अब ये जो है, इस टुकड़े को जो ब्रेड मैंने तल के रखी है, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप एक पीस तुरंत लेना चाहते हैं या कैसे। अच्छा, आप गर्मा गर्म खाना चाहते हैं तब भी ये टेस्टी लगेगी, सर्दियाँ चल रही हैं, और अगर आप इसे ठंडा करके खाना चाहते हैं, आप गर्मियों में बनाते हैं तो ये और भी मज़ेदार लगेगी। अब मैंने इसे सर्दियों के टाइम पे अभी बनाया है तो ये जो है मुझे गरम गरम खिलाने में वो गुलाब जामुन वाला सा फ्लेवर सा आ रहा था, बच्चों को बहुत पसंद आई, मुझे भी पसंद है। चाशनी में आप डायरेक्ट भी डिप कर सकते हैं, आप इसे ऊपर से चाशनी मेरी तरह डाल के और उसके बाद इसमें ये क्या करेगा, चाशनी को अपने अंदर सोख लेगा और मिठास आ जाएगी इस ब्रेड में। साथ में ऊपर से ये रबड़ी डाल देंगे, रबड़ी डाल के एक बहुत बढ़िया सा जो रिच फ्लेवर होता है ना वो आने लगेगा। ये देखिए, एक एक बाइट जब आप इसमें लेंगे ना तो इतना मज़ा आता है कि ब्रेड के साथ में वो चीनी की चाशनी जो रहती है और रबड़ी का कॉम्बिनेशन, गजब का भाई, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार का स्वाद रहता है इसका। आप इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ड्राई फ्रूट कितना आप पसंद करते हैं और इसमें डालते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो गई है, आप भी बनाइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, बिगनर्स किचन बाय शालिनी के ही नाम से है। साथ ही साथ मेरी आने वाली वीडियोस को अगर आप लगातार देखते रहना चाहते हैं तो हर फ्राइडे मेरी न्यू वीडियो आती है, इस फ्राइडे आप ज़रूर देख सकते हैं। कैसे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जब बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।